क्या हो रहा है कि अपने पेपर तुमने अब तक जितने दिए तुम आगे भी दोगे, उसका एक बार एनालिसिस करोगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ है। वो अपने लिए मतलब उसका पूरा डेटा निकालना चालू करो, उससे तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में तुम ओवर थिंकिंग पे क्या कितना गलत कर रहे हो और कितना तुम कॉन्सेप्ट पे गलत कर रहे हो। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे मतलब मान लो 30 क्वेश्चन गलत हुए, सिर्फ 3 क्वेश्चन ओवर थिंकिंग वाले गलत हुए, तो तुम्हें पता है कि असली प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग वाली नहीं है। उससे तुम्हारे से 3 ही जा रहे हैं, जो 27 आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के कारण जा रहे हैं, या फिर कि तुम सफिशियंट टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो धीरे सॉल्व कर रहे हो, जिस भी वजह से जा रहे हैं। तो वो सोच के तो मतलब सबसे पहले वो 3 के बारे में रहना, ओवर थिंकिंग करने से 3 जा रहे हैं, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को सही करो, बाकी चीजों को सही करो, तो वो अपने में आइडेंटिफाई करो कि लाइक कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जैसे आजकल मुझे पैटर्न नहीं पता एनसीपी में क्या चल रहा है, लेकिन जब जिस दिन मैं पेपर देने गया था, तो तब तक आईटी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब पैटर्न चेंज हो गया था, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मल्टीपल करेक्ट रहते हैं, उसमें 2013 में पहली बार मतलब नेगेटिव मार्किंग आई। मल्टीपल चॉइस वाले में अब तक तो मतलब देख ही चुके होंगे कि उसमें यदि नेगेटिव हो जाए तो स्कोर मतलब कितनी बुरी तरीके से गिर जाता है, और ओवर थिंकिंग के लिए बेस्ट जगह है वो, लाइक मल्टीपल चॉइस वाली, ये करूं नहीं करूं क्या करूं, एंड बैठे रह सकते हो उसमें 15 मिनट, और 15 मिनट बाद पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो सब लगता है कि हवा में जा रहा है। उस टाइम पे ये है कि अपनी पूरी प्रिपरेशन को मतलब इस तरीके से रखो कि तुम्हें पता है कि हाँ ये ऑप्शन सही है तो है, नहीं है तो नहीं है, मतलब अपने आप में पढ़ाई की इस तरीके से करो कि इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मतलब हाँ जो मैं टिक कर रहा हूँ वो तुक्के में नहीं टिक कर रहा, मैं जानते हुए टिक कर रहा हूँ कि हाँ ये सही है आंसर, ही मैंने पढ़ा है, रिवाइज भी किया है, सब कुछ किया है, तो वो ओवर थिंकिंग वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और तुम्हें लगता है कि ओवर थिंकिंग के कारण मतलब 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आई मीन पूरे पेपर के हिसाब से सोच के देख, थोड़ी बहुत जगह इक्का दुक्का तुमने अभी गलत कर भी दिया, उसको सुधार लेना धीरे धीरे, अभी टाइम है। लेकिन उसके चक्कर में तुम यदि सही क्वेश्चन जो कि सिंपल क्वेश्चन है उसमें तुम जबरदस्ती कह रहे हैं लगा रहे हो कि ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये ऐसा था वैसा था, उसके चक्कर में जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन सही हो सकते हैं उनको तो कम से कम सही करो, अपना स्कोर बढ़ाओ। उसके बाद में जो 2 या 3 ओवर थिंकिंग वाले हैं, वो जब उस स्टेज पे आ जाओ कि भाई पता है कि एक सर्टेन नंबर से ऊपर तुम्हारे सही होते ही है या इतने तो होता ही है, धीरे धीरे बिल्ड करो, मतलब ऐसा नहीं कि रिसर्च सीधे। क्वेश्चन मैंने एक बार आपसे पूछा था जब आप कोटा से लौटे ही थे मुंबई, तो मैंने आपसे पूछा था कि वहां पर तुम्हें ओवर थिंकिंग से निपटने के लिए क्या कहा जाए। तो तुम्हारा ये कहना था कि सर एक लेवल नीचे आओ, ऐसा कुछ था। डू यू रिमेम्बर इट? जहां भी आप सोच रहे हो उसे एक लेवल नीचे आओ, वो मैं चाह रहा हूँ इनको कुछ समझाया जाए। वही अंकल की पहले कॉन्सेप्ट मतलब ओवर थिंकिंग वाली चीज ऐसी है कि तुम केमिस्ट्री में एक्सेप्शन वगैरह सब याद कर रहे हो, सब कर रहे हो, अब तुम ये सोच रहे हो कि यार जो क्वेश्चन एक्सेप्शन नहीं था क्या वो भी एक्सेप्शन था या नहीं था, बस शुरू हो गया, लूप शुरू हो गया, अब तुम भूल जाओगे सब कुछ कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, चलते रहेगा वो कि अब, और तुम्हारी मेमोरी फिर फजी होती जाएगी और तुम भूलते जाओगे कि अब तो बिल्कुल ही भूल गया कि क्या था एक्सेप्शन और क्या नहीं था, नॉन एक्सेप्शन एक्सेप्शन बन गया, एक्सेप्शन नॉन एक्सेप्शन, पूरा खिचड़ी हो जाएगा। तो एक्सेप्शन को छोड़ दो, एक्सेप्शन को अभी छोड़ दो, जिस भी फील्ड में आ रहा है, फिजिक्स में आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, उसको भी होल्ड पे रखो थोड़ी देर, पहले बाकी का प्रॉब्लम सही करो, वही है एक स्टेप नीचे आने का मतलब, एक स्टेप नीचे आके पहले अपने बाकी के प्रॉब्लम सही करो, ये मेक श्योर करो कि हाँ जो भी तुम सही कर रहे हो सही कॉन्सेप्ट के कारण, सही प्रिपरेशन के कारण सही कर रहे हो, ऐसे ही मतलब हवा में नहीं क्वेश्चन सही हो रहे, नहीं हवा में गलत हो रहे, वो चीज को पहले सही करो, वो जब सही हो जाएगा फिर वो वाले नंबर बटोरो जो कि एक्सेप्शन से आते हैं या जो कि 5-10% ओवर थिंक करने से आते हैं, वो 3 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में उन 25 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो वो सही नहीं बैठा ना मतलब मामला, स्कोर कैसे बनेगा वैसे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है, अभी क्लास में कितने लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, 35 लोग बैठे हैं, सबका थोड़ी ऐसा होगा कि सब लोग ओवर थिंकिंग के कारण गलत करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो भी गलत करते हो उसको एनालाइज करना चालू करो। मतलब मैंने 12th में ये चीज शुरू की थी, मैं हर पेपर के बाद, तो मेरे जितने भी पेपर देखोगे, जितनी बुकलेट देखोगे, सबके पीछे एक पूरी मतलब लिस्ट बनी हुई कि इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में गलत हुए, किस वजह से गलत हुए, टाइम के कारण गलत हुए, कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या फिर मतलब ओवरथिंकिंग किया, या कैलकुलेशन मिस्टेक किया, जितनी भी टाइप की गलती, तीन चार टाइप की गलती होती है और कुछ होता है, अपने आप में वो चीज देखना चालू करो। तुम्हें जब पता चलेगा कि जैसे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है, अब 2+3 5 होता है, जो बंदा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसे नहीं पता क्या? कौन बंदा कह रहा है ये? आपसे कह रहा है ऋषभ मित्तल, पर 2+3 मेरे एग्जाम में हमेशा 6 में मार्क करके आता हूं। लाइक कोई कोई मतलब नहीं है वो 4 नंबर के जाने का। अगर आपसे भी कोई गलती होती है ना, आप सोचो आपको कितना ब्राइट फ्यूचर है। कीप अप पिच, बट ठीक है, लाइक इतनी कॉमन मिस्टेक है ये, हर कोई करता है। बट मैंने जब देखा कि मेरे बहुत सारे नंबर उस चक्कर में जा रहे हैं, जिससे मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे तो केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे फिजिक्स नहीं आती, ऐसा ऐसा बड़े बड़े मैं कंफ्यूजन निकाल रहा हूँ, उसका कुछ मतलब नहीं है। सिंपल सी चीज हो सकती है, और जिसके केस में ओवर थिंकिंग है उसको मैं ये कहूंगा कि मतलब थोड़ा काम डाउन, लाइक इतना भी मतलब एक दो क्वेश्चन सही करने के पीछे और क्वेश्चन बंद कर दो, वही है बस। ओवर थिंकिंग को लेके भी ज्यादा ओवर थिंक मत करो, अपना नॉर्मल लाइफ अपना सही रखो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो, तो सब चीजें मतलब अच्छी वर्कआउट होती है। मतलब सरप्राइजेस होते हैं जिसको कि तुम एंटिसिपेट नहीं कर सकते क्या क्या तुम करके जाओगे। जैसे मेरे पेपर में मल्टीपल चॉइस में किसी ने नेगेटिव मार्किंग दी, दैट वाज लाइक सच अ बिग थिंग। मतलब मुझे लग रहा था एमसीक्यू में मतलब मल्टीपल आंसर वाले में गलत होना चालू हुआ। सर को डिपो अनुष ने दिया था ना, उस साल तो -2 था, -2 था उसका मल्टीपल करेक्शन, तो सही तो +4 गलत, एक भी गलत या एक भी एक्स्ट्रा टेक तो -2 साथ में आगे आ जाओ। जब अंकल उसमें ऐसा भी है कि एक भी टेक यदि नहीं किया तो भी मतलब सही के अलावा कुछ भी है तो इट्स लाइक -2 के मेरे में। खैर -1 था, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन -1 भी कोई अच्छा नहीं। या ऐसे अब तुम क्या क्या फेड करोगे कि वो क्या चेंज कर देंगे क्या नहीं करते? नहीं ये तुम्हारे हाथ में, सारे नीट वाले बच्चे। अच्छा नीट में से बहुत नीट बच्चे हैं। One listening to worry about, but ये है कि two-stand turn मतलब जैसे projectile का question है, उसको कुछ और बना के दे दिया, कुछ करके दे दिया, तुम formula question सारे एकदम flat आ रहे हैं यार, flat है, तो movie सब खत्म, सब खत्म। फिलहाल जो आ रहा है NEET का pattern, I think मेरे हिसाब से, I don't know, I'm right or not, बताइए आप लोग बताइए, पर फ्लैट आ रहा है कि थोड़ा फिजिक्स का पेपर ट्विस्टेड आ रहा है? लोग कह रहे हैं फ्लैट आ रहा है, व्यास करा करें, या आप मैंने बोला है कि आप आपका अपना कंक्लूजन है ना, फिजिक्स के फ्लैट पेपर में तो फिर मतलब ऐसा है कि नहीं नहीं ये भी भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं जो आने नहीं देते। मेरी सारी ओवर थिंकिंग अंडर थिंकिंग में बदल जाती है, एंड दे आर वेरी जेन्युइन, दे आर वेरी जेन्युइन। दिस पार्ट इज कि वो जेन्युइन है, जब गलत कर रहे हैं एग्जाम में तो भी, और जब मेरी वो छील रहे हैं तो भी, कहीं से भी मुझे परेशान करने की इच्छा किसी की नहीं होती। दे आर वेरी जेन्युइन एंड देयरफॉर इट इज माय वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम कि मैं क्या सिखाऊं इन्हें ताकि ये एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए। थ्योरी के क्वेश्चन जो फिजिक्स का थ्योरी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, शायद उनमें मिस्टेक होती है ज्यादा, ये न्यूमेरिकल में ज्यादा गलती नहीं कर रहे, ये सिर्फ थ्योरी में उनका। परंतु ये ओवर, आप बताओ ना अपनी प्रॉब्लम, आप ही बताओ मैं क्या बताऊँ, आप में से कोई बताएगा प्रॉब्लम क्या है? उम्मीद आप बताएंगे, प्लीज बताइए, ये मत कहना कि सर खराब है के अलावा, हमारी बुराई के अलावा कुछ बोलना है तो पूछ लो, ये मौका दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा आपके पास, इतना बड़ा आदमी। मुझे हाँ पूछिए ना, आप पूछिए। वैसे फॉर कॉन्टेक्स्ट मतलब किसी को भी लग रहा है कि सर खराब है, मैं भी इन्हीं से पढ़ा हूँ और उसके बाद मेरी भी रैंक आई है। उनको डाउट करने से पहले आई थिंक खुद पे डाउट होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ज्यादा में नहीं उसमें होती है, स्पेसिफिकली बायो में होती है कुछ क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल है पीसीएम वाले से।
मैं बैकग्राउंड करती हूँ जैसे कि कुछ क्योंकि बहुत वो होता है ना स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं कि वही होना चाहिए तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता तो मुझे लगता है शायद गलत है या फिर वो जिसमें हाउ मेनी करेक्ट कितने हैं कि चार पांच स्टेटमेंट है इसमें से दो तीन करेक्ट है तो मार्क करना होता है उसमें हो जाता है हाँ जब तक और क्वेश्चन पूछो जल्दी से बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए है केवल क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं नहीं तो मैं से कभी नहीं लाया इतने सालों और इसकी कल फ्लाइट है तभी मैं आज इसे खींच के लाया कल वापस जा रहा है तो बायोलॉजी में मैं कुछ एडवाइस नहीं करूंगा मैंने नहीं पढ़ी है 11th की बायोलॉजी कुछ भी आइडिया नहीं है मतलब उस टाइप वाले क्वेश्चंस के टाइप वाले क्वेश्चन में ऐसा है जो मेरे बायो वाले दोस्त हैं वो भी बोलते थे कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब प्रैक्टिस करके और थोड़ा अपने टीचर से मतलब समझ के कि लाइक किस चीज का क्या मतलब है लकी फादर ऑफ ऋषभ मित्तल तो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र मैनेट में जिनकी वजह से मैंने मैनेट छोड़ दिया फैमिली काउंसलिंग मेरी मैं अक्सर इनसे करवाता रहता हूँ तो ये तो अपने यही भोपाल के ही आ रहे हैं जब आप चाहेंगे दोबारा बुला सकते हैं अभी हम ऋषभ का ज्यादा मतलब जल्दी से माइंड अप करना चाहेंगे आपके वक्त सिर्फ 5 मिनट है लेकिन फास्ट वाले के लिए अपने टीचर से समझो जो वो स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन में वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं कभी कभी वो इम्प्लिसिट असम्पशन होता है तो वो सब चीजें अपने टीचर से समझो एंड प्रैक्टिस असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के लिए मतलब कोई भी एक टॉपिक उठा लो उस पर मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुमने कितने असर्शन रीजन के क्वेश्चन कितनी बुक से प्रैक्टिस किए हैं मतलब एक तो वो बेस लाइन है तुम्हारे टेस्ट में तुमने एक दो क्वेश्चन गलत किया और फिर तुम्हें लग रहा है कि ये तो मैं गलत करता हूँ ऐसा कुछ है लाइक उस पर जब तक तुमने एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन मतलब सॉल्व नहीं किया है या फिर एक टॉपिक पे और जैसे M2D हो गया M3D हो गया UPI उस पर तुमने मतलब जब तक उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो टाइप के असर्शन रीजन नहीं किए कम से कम मतलब कोई भी तुम बुक उठा लो तुम्हें 10-15 असर्शन रीजन तो सबके पीछे मिल जाएंगे ऐसे तुम 3-4 बुक उठाओ तो हो गए तुम्हारे 40-50 क्वेश्चन हो गए और तुम ये देखो ना और वैरायटी कहाँ है मतलब यदि तुम्हें पता है कि नीट में फ्लैट क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहाँ से देंगे वो क्या करेंगे लिमिटेड ही चीजें हैं ना तुम सब सॉल्व कर लो कहाँ फिर क्या बचा करने को कुछ नहीं बचा सब नहीं भी कर सकते 10 तो करो तुम 40 नहीं कर सकते 10 तो करो 10 नहीं कर सकते 5 तो करो कुछ तो करो प्रैक्टिस करो उसके बारे में और जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सोचो मतलब खुले दिमाग से करो ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन कर लिया सही आंसर आ गया इसमें ए हो गया उसमें बी हो गया बस बढ़िया चल रहा है वो नहीं हुआ वो क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना ये है कि तुम मतलब जैसे तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछने आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे किया उसको तुम कन्विंसिंगली समझा सको और वो सही में समझे उस बात को वो तो है कि वो तुमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया तुम सही में समझे हो उसको कि तुम किसी को समझा पा रहे हो तुम सही आंसर तो हो जाता है अपन सॉल्व कर रहे हैं मैंने किया बी पीछे देखा ए हाँ ये तो ए ही था वो तो इसको जैसे था करेक्ट रीजन फॉर दिस असर्शन वो तो था ही वो तो हाँ पता ही था मुझे वैसा नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व मतलब वो हुआ नहीं वैसा हो रहा है तो फिर आके पूछो कि मतलब कि क्या गलती है आंसर वंसर मत देखा करो पीछे कि लाइक जब भी सॉल्व कर रहे हो अदरवाइज इसका कोई पॉइंट नहीं है तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितने सही किए कितने गलत उस वे में प्रैक्टिस करो मतलब प्रैक्टिस करके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें भी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने मतलब स्टार्ट होगी ये चीज आई थिंक सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है तो ये आई थिंक बायोलॉजी केमिस्ट्री सब पे अप्लाई होता है ये चीज कि कई बार क्वेश्चन पूछने वाले का कुछ लैंग्वेज होता है तो कुछ मतलब होता है काफी बार हम उसमें भी मतलब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं वो हमें समझ में नहीं आती एकदम से कि यार ये क्या बोल रहा है इसका क्या मतलब है सब तुम प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन देखोगे अपना एक्सपोजर बढ़ाओगे
तो वो सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। लाइक बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ देखिए मुझे 10 क्वेश्चन करने थे मैंने कर दिए जैसे तैसे भी सही कर दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब जब एग्जाम के दिन क्या करोगे, वो बात है ना। अभी तो खुद को मतलब बहला फुसला लोगे कि हाँ मैंने कर लिया, ये है तुम भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, टीचर भी खुश, अभी सब चलते रहेगा, लेकिन एग्जाम के दिन सब मतलब फ्लॉप हो जाएगा। तो वो क्लैरिटी रखो माइंड में कि अभी किसी को कुछ दिखाने से, कुछ करने से कुछ कुछ नहीं हो रहा, अपना राइट सही से करो उस चीज को। जो भी नहीं समझ आ रहा पूछो, मतलब शर्माओ मत, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा एंड में। मतलब तुम मतलब किसी वजह से तुम्हारा स्कोर कम होता है तो सबको बुरा लगेगा, तो वो चीज मत करना। एंड प्रैक्टिस खूब करो, मतलब अच्छे से जम के प्रैक्टिस करो। अब मुझे नहीं पता कि आजकल मैंने 200 क्वेश्चन बोला कहीं से मुझे कुछ आवाज आ रही थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये और वो, बट मुझे नहीं पता आजकल लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट मतलब एक टॉपिक पे लाइक खासकर से एमसीक्यू कर रहे हो, मतलब तुम सब्जेक्टिव भी नहीं कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव तो 200-300 क्वेश्चन कम से कम एक कोई बुक उठा के उसके तो पूरे पीछे के खत्म करो एट द बेयर मिनिमम। मतलब और कोई किसी को कुछ डिस्कशन करना पूछिए जल्दी, भैया पेपर के टाइम पे पैनिक बहुत क्रिएट हो जाता है, तो जो आते थे स्पेशली जब केमिस्ट्री फिजिक्स में आते क्योंकि बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, पर इधर आ जाते लड़खड़ा जाते, वो कहना पेपर में पैनिक बहुत क्रिएट होता है और इन मेन सब्जेक्ट्स बायोलॉजी छोड़ के केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आते आते पैनिक बहुत बढ़ जाता है, रैंडमनेस बढ़ जाती है, हड़बड़ाहट बढ़ जाती है, घसीटा मार देते हैं पेपर में सर। तो मतलब क्रिकेट देखते हो? लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो अपन लोग करने का सोच रहे थे। मैच तो देखा ही होगा ना सबने, तो वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो अपने साथ हुआ फर्स्ट बैटिंग करते हुए, कि पहले 10 ओवर में बहुत अच्छे से मारा, एकदम अच्छा रन रेट था, सब कुछ बढ़िया था। ये इसका पहला सब्जेक्ट जो की एकदम मस्त गया, एकदम रोहित शर्मा स्टाइल। उसके बाद पिच थोड़ी सी मतलब एक्ट करने लगी, थोड़ी सी सिचुएशन आगे बढ़ी, चौके नहीं पड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है ना कि अब हर बैट्समैन आके घुमा रहा है बल्ला, तुम देख रहे हो कि हाँ हो गया, 400 नहीं बनने वाले, 250 बनाएंगे। वो कभी कभी जरूरी होता है, मतलब अपने को 300 बनाने चाहिए थे, 300-320 शायद जीत सकते थे, बट अब वो ठीक है। कभी कभी होगा कि पैनिक होगा और 250 पे आउट हो जाएंगे, लेकिन जब समझ में आ रहा है कि 400 नहीं स्कोर होगा, तो इन दैट मोमेंट इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो कि लाइक रीइवैल्यूएट एवरीथिंग एंड ड्रिंक्स ब्रेक में बेसिकली अपना टारगेट चेंज कर लो कि ठीक है 300 ही बनेगा। एंड वो होता है कभी कभी पेपर टफ आता है, जैसे मुझे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है जब मेरा मेंस का था, तो मतलब मेंस और फिर जेई होता था, मेंस वाले पेपर में मेरा फिजिक्स सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट था। मैं फिजिक्स से ही हमेशा शुरू करता हूँ, जिससे कि मैं 50 मिनट में फिजिक्स खत्म करूंगा, केमिस्ट्री खत्म करूंगा, और मेरा मैथ सबसे वीक था, एंड लाइक मैथ्स में 1.5 घंटा लगाऊंगा पूरा। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी मेंस के पेपर में, मतलब मैं जेई की प्रेप कर रहा था, मुझे मेंस का पेपर बहुत आसान लगता था। मेंस का फिजिक्स तो ऐसा था कि एंड लाइक मैं कभी भी सॉल्व कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, जीरो दिक्कत होनी चाहिए। मेंस के पेपर में मेरे से पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, 20 क्वेश्चन में से ऐसे 4 क्वेश्चन नहीं बने पहले 4 वाले। तो मुझे हुआ पैनिक हुआ, मुझे लगा कि फिजिक्स के यदि 20 में से 4 क्वेश्चन नहीं बने तो केमिस्ट्री में तो क्या होगा, मैथ्स में तो क्या होगा। मैंने सोचा ये तो मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बट फिर मतलब थोड़ा सा मैंने ये भी सोचा कि लाइक मेरे से नहीं बन रहा तो और लोगों से भी नहीं बन रहा होगा, और मैंने सोचा अभी छोड़ देते हैं, रिसेट करते हैं। तो मैंने फिजिक्स पूरा छोड़ ही दिया, मैंने पहले केमिस्ट्री किया, टर्न्स आउट की केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान था, फटाफट हो गया। मैथ्स किया, मैथ्स का पेपर भी बहुत आसान था, वो भी हो गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो मेंस क्लियर तो हो जाएगा, मेंस की रैंक से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में फिजिक्स का 5 नंबर से 20 नंबर तक किया, पूरा हो गया। मैंने बोला सब कुछ हो गया, अभी 4 क्वेश्चन बचे, मेरे पास 1 घंटा बचा था। मैंने बोला 1 घंटे में मेंस के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, हो गया, वो भी हो गया। तो मतलब
यदि उस मोमेंट में पैनिक कर जाता कि ये शुरू के चार क्वेश्चन नहीं हुए और अब क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा करके मैं पूरी स्टोरी बना लेता अपने दिमाग में, तो पेपर बिगड़ भी सकता था। लेकिन ऐसा है कि कभी भी उसको दिक्कत वो एंड में आ रहा है, मुझे वो दिक्कत स्टार्टिंग में आया था, तुम लोग साथ भी हुआ होगा। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है कि शुरू के चार नहीं बन रहे, वैसे बाकी पूरा आसान था, उसमें तुमने टाइम लगा दिया, वो मिस कर दिया। तो मेरे को जब समझ में आया कि हाँ ये नहीं हो रहा या इस ऑर्डर में नहीं हो रहा या अभी नहीं हो रहा, मैंने बोला उसको बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, केमिस्ट्री भी तो करना ही है, मैथ भी तो करना ही है, थोड़ा अपना स्ट्रेटजी चेंज करो। इसके क्वेश्चन में क्या होता था मेरे साथ, जैसे मैथ्स में होता था बहुत टाइम तक, मेरा मैथ्स का स्कोर बहुत कम रहता था क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सब तक मैथ्स पे आता था, मैथ्स के क्वेश्चन में धीरे 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 सॉल्व कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, छूट जाता था मेरा पेपर। फिर मुझे समझ में आया कि पहले आसान क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा देख के समझ जाओ आसान क्वेश्चन कौन से, पहले वो करो। फिर जब मेरा वो होने लगा तो ये समझ में आया कि चलो मैथ्स का पेपर नहीं छूट रहा, फिर मुश्किल क्वेश्चन छूटने स्टार्ट हुए, फिर वो करना स्टार्ट किया। और कभी ऐसा हुआ कि पेपर पूरा ही टफ आ गया, मैंने सोच लिया कि ठीक है भाई पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगा, मैं करूंगा ही 15 और सही करूंगा, मतलब 2+3=6 वाली नहीं करूंगा मिस्टेक, तो एटलीस्ट 15 मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें सारे सही भी हो गए, ठीक है। मतलब 20 को अटेम्प्ट करने के चक्कर में 5 कर पाता, उससे तो बेटर है ना कि मैंने 15 कर लिए कम से कम। मतलब हमेशा वो चीज की माइंड में क्लैरिटी रखो, एंड जब पैनिक स्टार्ट हो तो शायद आप अपना टारगेट लो करो या सब्जेक्ट चेंज करो या सब्जेक्ट में भी स्कैनिंग राउंड करो, छांटो कौन कौन से इजी है कौन से नहीं, इजीएस्ट छांटो, नेक्स्ट इजीएस्ट छांटो, ऐसे कुछ मॉक चेंज करो। एंड उस टाइम पे मतलब एक और ऑब्जर्वेशन जो मेरी थी कि व्हेन आई पैनिक आई डू मोर सिली मिस्टेक्स एंड दैट इंक्रीजेस द प्रॉब्लम। मतलब अननेसेसरी जो स्कोर कम नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, बिकॉज लाइक पैनिक ने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। उस टाइम पे आई यूज टू लाइक डबल चेक माय कैलकुलेशन, मैं जहां भी रेफर कर रहा हूँ बिफोर लाइक मार्किंग ऑन द शीट, एक बार मैं बस खुद ही का कैलकुलेशन, मेरा रूल था कि जब भी मुझे पता है मैं पैनिक कर रहा हूँ आई विल जस्ट एज अ रूल, चाहे मुझे 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा भी लग रहा है, मैं अपनी कितनी भी सिंपल कैलकुलेशन है पूरी लिख के करूंगा एंड मैं वो चेक करूंगा फटाफट, लाइक 5-10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी मुझे लग रहा है एंड मैं सही आंसर मार्क करूंगा, या एटलीस्ट जो कि मैंने कैलकुलेट किया है जानते हुए कि ये है ये मेरा आंसर था, तो वो मार्क करूंगा क्योंकि मुझे पता था कि पैनिक करूंगा स्कोर और कम होगा, सिली मिस्टेक्स होगी, उसमें और फ्रस्ट्रेट होगा। वो जब एंड में वो आंसर शीट देखने बैठो तब पता चलता है कि अरे तो मैंने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। ऐसे मतलब अपने टैक्टिक्स थोड़े खुद के लिए डेवलप करो कि लाइक ऐसा नहीं कि एक गलती हो रही तो दूसरी में भी अपन बहती गंगा में अपन बह गए, ऐसा नहीं है। तो मतलब मिनिमाइज द डैमेज वेयर एवर पॉसिबल एंड उसका बहुत फर्क पड़ता है। तुम बड़े एग्जाम में मतलब रियलाइज नहीं करोगे एक एक नंबर पे, मतलब 500-500 रैंक 600-600 रैंक का फर्क पड़ता है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत फर्क पड़ता है। तुम एक जरा सा भी इम्प्रूवमेंट करोगे ना अभी उससे जो तुम्हें स्कोर में इम्प्रूवमेंट मिलेगा उससे बहुत फर्क पड़ता है, तो उसको हल्के में मत लो। एंड प्रॉब्लम ये आईआईटी के सब्जेक्टिव में कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, ये नीट में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम आ रही हो, ये प्रॉब्लम आ रही है मतलब तुम क्वेश्चन को या तो गलत समझो या गलत सॉल्व करो या उस लेवल पे गलत हो रहा है, क्वेश्चन क्लियर पे नहीं है। तो अरे मैं बिना मुझे क्वेश्चन भी नहीं पता क्या है लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता। तो जरा क्वेश्चन क्या था, कब अज्यूम करना है वेरिएबल्स कांस्टेंट, कब अज्यूम करना है वेरिएबल्स को मतलब कांस्टेंट मानना है कांस्टेंट मानना है और कब वेरिएबल मानना है। जैसे अगर क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है तो पास है उस समय पे डिपेंड एंड आंसर, ओ वैसा जो प्रोपोर्शनल बाय लाइक इंक्रीज बाय 2 डिक्रीज बाय 2 वाला है वैसा, उसमें डिपेंड करता है, उसमें तुम्हें ये देखना है कि जैसे कोई चीज जैसे gm1 m2 / r2 है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मतलब उस चीज का हिंट होगा, जैसे कई बार ये होता है v = ir है
अपन बोलते हैं कि मतलब उतने ही वोल्टेज पे मैं मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाऊं कि कम करूं या क्या करूं, तो कभी बोलते हैं कि I equal to V by R यूज हो रहा है, कभी बोलते हैं कि V equal to IR यूज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस के बढ़ाने से मतलब ये चीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या है पावर मतलब इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब I squared R यूज करूं कि V squared by R यूज करूं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है राइट। तो ऑब्वियसली चीज है, पावर के दोनों फॉर्मूले हैं, I squared R भी है, V squared by R भी है, कोई भी गलत तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में भी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, उसने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं समझाया होगा कि सीरीज का कनेक्शन है पैरेलल का कनेक्शन, पक्के से समझाया होगा। पैरेलल का कनेक्शन है नहीं तो तुम्हें पता है कि अक्रॉस द सिनेरियोस वोल्टेज है, तुम आई स्क्वायर आर क्यों यूज करो, यू विल यूज वी स्क्वायर बाय आर, तो रेजिस्टेंस आधा हो रहा है तो पावर डबल हो रहा है। यदि कहीं क्वेश्चन में किसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सीरीज है मतलब करंट सेम रहेगा तो आई स्क्वायर आर यूज करोगे, उस तरीके से मतलब ये चीज थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी और थोड़ा कॉमन सेंस आने से लाइक मैं पूरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसका नंबर दे दूंगा और उससे डायरेक्ट पूछ लेंगे सॉल्व कर लेगा ना सर। एनीथिंग एल्स गाइस, आ जल्दी करो इसका इलाज उसके पास कुछ नहीं है, इसको मेरे को सल्टी लगानी पड़ेगी, क्या बताएगा उनसे हमेशा से सिंसियर रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। मैं ऐसा है कि मतलब यदि थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सको कि मतलब कहाँ है डिस्ट्रैक्शन या क्यों आ रहा है, मोटिवेशन खत्म है कि लाइक फोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ और है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उससे मोटिवेशन खत्म हो रहा है, पढ़ाई की इच्छा नहीं होती, बहुत सारे रीजन होते हैं मतलब उस चीज के, एक बार थोड़ा उसके रीजन पता चल जाएगा कि क्या है असली रीजन की जो मतलब सिंसियरिटी कम हो रही है। उसका यार एक ही कारण होता है, मार्क्स नहीं आ रहे, सारी मेहनत करने के बाद मार्क्स नहीं आ रहे तो इच्छा नहीं होती, मोटिवेशन तो मार्क्स से आता है। तो उसका भी मतलब हर चीज का सोल्यूशन है, मतलब ऐसा है कि मतलब तुम्हें तुम्हारे ऊपर है, देखो तुम्हारी प्रिपरेशन है हर चीज, मतलब मैं मतलब सर बैठ के तो सॉल्व नहीं कर सकते हमारे लिए, तुम्हें यदि अपने करना है, सही कॉलेज में जाना है, सही चीज चाहिए अपने लिए, अपना प्रॉब्लम खुद ढूंढो, सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं तरीके बता रहा हूँ एक दो एग्जांपल सॉल्व करके कैसे प्रॉब्लम को खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब तो मतलब नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे, ऐसा लग रहा है पढ़ाई सही हो रही है उसमें, मतलब मेरे साथ अभी से 2 साल की प्रिपरेशन है। अब विराट कोहली का ऐसा तो नहीं है ना कि हर बारी सेंचुरी मारता है, कभी तो होता है ना कि फैच आ रहा है कि भाई 2 साल से सेंचुरी नहीं पड़ी क्या करें, ऐसा तो नहीं है ना उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, मारे ना उसने भी 700 रन से ज्यादा हुआ ना, तो मतलब थोड़ा क्रिकेट देख रहे हो तो उससे कुछ सीखो भी, मतलब ऐसा नहीं कि बस बैठ के चौके छक्के देख रहे हैं, तो थोड़ा सुना करो उनकी बातें जब वो बोलते हैं, उसमें बहुत सारी मतलब विजडम है, ऐसे ही वो लोग इतने बड़े नहीं बने। तो मतलब उसका यह है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना ठीक है, अच्छी बात है, उससे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन तो मुझे नहीं लग रहा है उससे मोटिवेशन कम हो रहा है, तो जरा आइडेंटिफाई करो कि मतलब क्या है, कि यदि पढ़ाई सही में की है तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मुझे ऐसे लगता था, मेरा एक प्रॉब्लम ये था, मुझे कॉन्सेप्ट सही समझ में नहीं आया था, मुझे बहुत लगता था कि मुझे आता है लेकिन मुझे नहीं आता था, तो मुझे बैठ के एक आध दिन मतलब एक टॉपिक था उसको मुझे पूरा सॉर्ट आउट करना पड़ा, मुझे पूरा पढ़ना पड़ा, तब ऐसा था कि उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे बैठ के टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ी, 3 टेक्स्ट बुक पढ़ी मैंने, उसके बाद वो अपने आप से अगले दिन से क्वेश्चन से सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। तो कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, जैसे मान लो मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम पैनिक कर रहे हो, तो प्रॉब्लम जो है उसको उसके हिसाब से सॉल्व करो, ऐसा मत करो कि मतलब एक प्रॉब्लम ने डोमिनो इफेक्ट करके पूरा सब कुछ मतलब ब्रेक डाउन कर दिया, वो मत करो, क्योंकि जैसे मार्क्स नहीं आ रहे उसके भी 3 लेवल तो एटलीस्ट ये है,
फिजिक्स में नहीं आ रहे, केमिस्ट्री में नहीं आ रहे, बायो में नहीं आ रहे, मान लो तुम्हारे एक में मार्क्स नहीं आने के चक्कर में तुमने पूरी पढ़ाई बंद कर दी, वो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। मतलब लाइक ऐसा मत करो कि कहीं एक प्रॉब्लम हो और उससे सब कुछ खत्म कर दिया। जो भी चल रहा है, जो भी ठीक हो रहा है, जहां भी मोटिवेशन आ रहा है, छोटी छोटी विंस को मतलब लो एंड लाइक उससे मोटिवेटेड भी फील करो खुद को। मतलब लाइक ऐसा नहीं कि हमेशा पुश डाउन करो कि अरे मेरे से तो ये नहीं होता, मेरे से तो वो नहीं होता, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसे वैसे। तो मतलब उस चीज का कोई अंत नहीं। मतलब जहाँ आ रहे हैं वहां देख के मोटिवेट हो, कुछ भी करके मोटिवेट हो, जैसे तुम्हें लगता है, हर चीज का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब ढूंढने वाली बात है, जो भी ढूंढ सकते भाई। एटलीस्ट उस समय बायोलॉजी में तो लाओ 360, तो उस समय फिजिक्स नहीं कर रहा मन करने का, बायोलॉजी के पीछे पड़ जाओ। कोई दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके, आइदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स, बस इतना बहुत है। दो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तीसरे में 80 नंबर या 100 नंबर मार दो, हो गया काम। Anybody else? Do you? Ideal timetable. Question. I think अब मैं मतलब बहुत टाइम से मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि लोग मतलब डिमोटिवेट हो जाते थे मेरा आंसर सुन के। तो डिपेंड करता है टाइम टेबल क्या होना चाहिए उस चीज पे कि तुम्हें चाहिए क्या। मतलब मतलब होंगे इस रूम में पक्के से लोग होंगे जिनका कोई एम नहीं है, मतलब नीट में तोड़ने का या फिर एम्स करने का या ऐसा वैसा करने का। कुछ लोगों को पता है कि सही में भाई नहीं है हमारे उतने एस्पिरेशन या उतना नहीं करना है, या मतलब वो है तो मेरी बात को मत सुनना। क्योंकि मेरा जो था, मुझे पता था कि मुझे IIT में अच्छी रैंक लानी है एंड आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। मतलब मुझे मुझे उसके आगे कुछ नहीं दिखता था। तो मेरा टाइम टेबल बड़ा ही सिंपल था, लाइक मैं उठता था, मैं पढ़ता था, मैं नहाता था, मैं पढ़ता था, मैं खाना खाता था, मैं फिर पढ़ता था, फिर मैं ऑटो में कोचिंग जाता था, मैं ऑटो में केमिस्ट्री पढ़ता था, फिर सर लेट आते थे, मैं 15 मिनट में भी कुछ पढ़ रहा होता था, फिर क्लास में सुनता था, घर जाता था, जाते हुए गंदे रह जाता था, ऑटो में पढ़ पाता था, फिर घर पर आता था, पढ़ता था। रिवाइज करता होगा तब भी ऑटो में नहीं पढ़ पाता होगा, तो भी तुम आँख बंद करके कुछ ना कुछ एक आध रिएक्शन तो बोल ही लेता। हाँ ठीक है, बट मतलब मेरा टाइम टेबल सही में ऐसा था, मैं उसको शुगर कोट नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता कि अरे 6 घंटे पढ़ के हो जाएगा, 8 घंटे पढ़ के हो जाएगा। मतलब मेरे पर्सनल स्टडी आवर्स, मतलब कोचिंग का टाइम हटा के मैंने गिने हैं, मतलब उसका एवरेज फॉर 2 years 10 से 12 घंटे एवरेज रहा है ओवर 2 years। मतलब एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, like over 2 years I would say consistently, मतलब ऐसे ही average है, वैसे ही schedule है। That's it. This is the simplest formula. खत्म, कुछ और करना ही नहीं है भाई। Self study का जो hours आप देंगे बस वही marks में convert होंगे। Coaching तो आप केवल outing के लिए आ रहे हैं, सही कि गलत? तो थोड़ा depressing answer हो सकता है, but मतलब नहीं, दिस इज रियली ऑनेस्ट आंसर, मोटिवेटिंग आंसर। यही मैं इनको समझाता हूँ, मैंने भी यही किया था। मैं तो इससे भी, और मुझे इसके सामने कहने में शर्म आनी चाहिए, पर हाँ मैं तो इससे भी नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीमिस्ट था। मैंने तो इससे भी ज्यादा मेहनत की हुई। कुछ नहीं है इसकी मेहनत मेरे साथ, जो पागलपन जो धुन मुझे सवार थी, मैं तो बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। इंटेलिजेंट बाय बर्थ है, तो मुझे अगर उस लेवल पे पहुंचना था, मुझे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। तो मेरा पागलपन से तो आधा रहा होगा इसका पागल, और उसका थोड़ा भी आप में आ जाए तो अपने आप आपके सारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, आपका कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। सिर्फ वो गेम आप तो कर दो एकदम से, रडन ली
दस ओवर बचे हैं, बन जाओ रोहित शर्मा। मैं बड़ा पावा नहीं बोलता आजकल, बोलता व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट अबाउट तो जानता भी नहीं था उसको। तो गाइस ठीक है, ठीक है, डन। कुछ फर्क पड़ेगा? ठीक। सो ऋषभ जी थैंक यू। चलिए गाइस ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ऋषभ वंस अगेन। एक बार फिर जोर का तालियां, जोर से नहीं बचा, जोर से ताली नहीं बजाई, तुम इससे मोटिवेटेड नहीं हो रेशमा, और जोर से बजाओ, तुम खेल रेशमा। चलिए गाइस थैंक यू, साइनिंग ऑफ, ऋषभ मित्तल फॉर नाउ, बाय।